आप बैठो। अरे नहीं, पंडित जी का और आप सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बड़े खुशी की बात है कि हमारे गांव में हम लोगों के बीच आज हमारे युवा साथी युवा नेता कमलेश भट्ट जी पधारे हैं, तो मैं मानव आगमन पर इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मासु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि जिस मार्ग पर ये चले हैं उस मार्ग पर उन्हें सफलता मिले। अपने इष्ट देवताओं को नमन करते हुए और यहाँ स्थानीय देवी देवताओं को नमन करते हुए बोलाव गांव में एक विशेष है कि यहाँ महासु देवता महाराज स्वयं विराजमान है, इसलिए भी आप सभी लोग यहाँ उपस्थित बुजुर्ग शक्ति बुजुर्गण महिलाएं और उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसी में चक्राता विधानसभा का चुनाव भी होने जा रहा है और देखिए उसमें मैं प्रत्याशी हूँ। प्रत्याशी के रूप में कमलेश भट्ट नाम जरूर है, पर कमलेश भट्ट सिर्फ नाम है। मैं जो प्रत्याशी हूँ वो आपके बच्चे प्रत्याशी, क्योंकि मुझे प्रत्याशी आपके बच्चों ने बनाया। अब आप लोग बोले आउटडोर से एंट्री कर देते हैं और सामान्य बच्चा या मेहनत करने वाला बच्चा वहीं के वहीं रहे। अभी मैं उदाहरण देता हूं कि अभी पुलिस की भर्ती आई उत्तराखंड में, तो आप सोचिए कि उत्तराखंड में 7 साल बाद पुलिस की भर्ती आई, 7 साल बाद। आधे बच्चों की तो उम्र निकल गई फॉर्म भरने की, फॉर्म नहीं भरने, और वो 7 साल मैं कहूँ कि किसी की अगर अंगूठी मुड़ जाए। आप जो हम सब लोग रास्ते आते हैं तो सैया से होते जाते, आप लोग पुरानी पीढ़ी से देखते आ रहे हैं, हम नई पीढ़ी भी देखते हैं। 70 वर्ष से अधिक हो गए, वो 200 मीटर जजरेड, वो 200 मीटर जजरेड आज तक निकली हुई। गढ़वाल में पहाड़ों के अंदर से रेल चलेगी, कर्णप्रयाग तक रेल चलेगी, लेकिन जौनसार बावर का दुर्भाग्य देखियो, 200 मीटर जजरेट ठीक नहीं। आज भी जब हम आते जाते हैं तो पता नहीं चलता कब पत्थर आए, कब कोई घटना घटी। आप ये देखिए कि